आईपीएल 2020 की शुरुआत सितंबर के महीने से होने वाली है, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिसने सीएसके के सारे फैंस को झकझोर कर रख दिया। टीम में 13 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई और इसके बाद हंगामा हो गया। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और उसके फैंस के लिए अच्छी खबर सामने वापस आ गई है। टीम के सभी 13 सदस्यों की लेटेस्ट कोविड-19 जांच नेगेटिव निकली है। इंडियन प्रीमियर लीग की इस टीम के सीईओ केएस विश्वनाथन ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़ टीम में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। केएस विश्वनाथन ने कहा कि दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़ 14 दिन का आइसोलेशन पूरा करेंगे और नियमों के अनुसार निगेटिव पाए जाने के बाद टीम के साथ ट्रेनिंग में जुड़ जाएंगे। सीएसके के सदस्यों को आईपीएल के ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक और दौर के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। आपको बता दें कि सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का 3 दिसंबर को एक बार फिर से कोरोना टेस्ट होगा। अगर टेस्ट निगेटिव आती है तो 4 सितंबर से चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेनिंग देने की अनुमति मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त समय देने की बात चल रही है, लेकिन संभावना है कि वो आईपीएल के पहले मैच, जो कि 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा, उसके पहले कुछ समय मिल सकता है। वहीं लीग की शुरुआत से ही आईपीएल मैचों का आयोजन तीनों शहरों यानी कि दुबई, शारजा और अबू धाबी में किया जाएगा। सीएसके की पूरी स्क्वाड की अगर बात करें तो टीम में एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, केएम आसिफ, दीपक चहर, इमरान ताहिर, करण शर्मा, हरभजन सिंह, एन जगदीशन, मोनू कुमार, मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, लुंगी नगीडी, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो, ऋतुराज गायकवाड़, मुरली विजय, फाफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना, अंबती रायडू, शेन वॉटसन, पीयूष चावला, जॉश हेजलवुड, सैम करन और आर साई किशोर शामिल हैं। सभी 13 सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव आना सीएसके फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।